हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर वीडियो एंड आल्सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस छोटी से वीडियो में हम क्लास 12 फ्लेमिंगो का एक छोटे से चैप्टर करेंगे, उस चैप्टर का पार्ट 1 जिसका नाम है द इंटरव्यू और जिसको लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने, इसका आज हम पार्ट 1 करेंगे। बड़ा ही कमाल का चैप्टर है और इसके अंदर जो राइटर है उन्होंने बेसिकली इस चैप्टर के बारे में, जैसा कि ये नाम है द इंटरव्यू, इस चैप्टर के अंदर इंटरव्यू के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट दिखाए हैं, यानी कि एडवांटेज क्या है इंटरव्यू का और डिसएडवांटेज क्या है इंटरव्यू का, और वेरियस सेलिब्रिटीज के, अलग अलग सेलिब्रिटीज या फिर फेमस पर्सनैलिटीज के इंटरव्यू से रिलेटेड क्या क्या उनकी ओपिनियंस है, उनके बारे में इस चैप्टर में बताया। तो चलो शुरू करते हैं। जो इंटरव्यू है वो कम से कम 130 साल पहले से चलता हुआ रहा है, यानी कि जो इन्वेंशन है इंटरव्यू का वो 130 साल पहले हो गया था, और जो इंटरव्यू है वो आजकल एक कॉमन प्लेस बन चुका है जर्नलिज्म के लिए। जर्नलिज्म आप जानते होंगे, पत्रकार होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं उनका, तो जो इंटरव्यू है वो एक आम चीज है इनके लिए, पत्रकार के लिए। और आजकल जो बंदा पढ़ा लिखा होता है वो अपनी जिंदगी में एक ना एक इंटरव्यू को तो स्टडी करता ही है, और उन सबके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं इंटरव्यू के बारे में, उनके डिफरेंट डिफरेंट व्यूज होते हैं इंटरव्यू के बारे में। और अभी तक कुछ सालों में हजारों सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू हो चुका है, और ये सरप्राइजिंग है कि अलग अलग सेलिब्रिटीज का, अलग अलग फेमस पर्सनैलिटीज का डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंट डिफरेंट उनके व्यूज हैं इंटरव्यू से रिलेटेड। कुछ लोग इंटरव्यू को एक प्रैक्टिस समझते हैं, एक आर्ट समझते हैं, बहुत सेलिब्रिटीज इंटरव्यू को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा समझते हैं, दे कंसिडर इंटरव्यू एज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो कि इंटरव्यू देते वक्त अपने आप को एक विक्टिम की तरह समझते हैं, पता नहीं क्यों उन्हें इंटरव्यू अच्छा नहीं लगता, और एक अनवॉरंटेड इंट्रूजन इंटू देयर लाइफ की तरह इसे कंसिडर करते हैं, यानी खामखा की दखल अंदाजी अपनी जिंदगी में ऐसा कंसिडर करते हैं इंटरव्यू को। अब जहां पर ये जितने भी नाम आएंगे, जैसे वीएस नायपोल हो गया और लुइस कैरल हो गया और रडयार्ड किपलिंग हो गए, एचजी वेल्स हो गए, ये सारे सेलिब्रिटीज हैं या फिर फेमस पर्सनैलिटीज हैं। तो जो वीएस नायपोल हैं उन्हें लगता है दैट सम पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, मतलब इंटरव्यू के वक्त लोग अपनी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा खो देते हैं, ऐसा वीएस नायपोल को लगता है। लुइस कैरल जो कि क्रिएटर है एलाइस इन वंडरलैंड के, उन्होंने कहा अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर, वाज सेड टू हैव जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, यानी कि जो लुइस कैरल है वो इंटरव्यू को हॉरर की तरह कंसीडर करते हैं, यानी एक डरावनी चीज की तरह कंसीडर करते हैं। रडयार्ड किपलिंग एक फेमस पर्सनैलिटी है, उनका एक डिफरेंट एटीट्यूड है इंटरव्यू के प्रति। जो उनकी वाइफ है कैरलीन, उन्होंने एक बार डायरी में 14 अक्टूबर 1892 के दिन के बारे में लिखा था कि इस दिन उनका पूरा का पूरा दिन दो रिपोर्टर्स ने, जो कि बोस्टन के थे, उन्होंने द डे वाज रेक्ड बाय टू रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन, यानी कि उनका पूरा दिन दो रिपोर्टरों ने खराब कर दिया था। जो कैरलीन है वो ये भी कहती है व्हाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, यानी कि वो इंटरव्यू देने से मना क्यों करती है, क्योंकि वो इंटरव्यू को इमोरल समझती है, इमोरल का मतलब गलत समझती है इंटरव्यू को, और एक क्राइम की तरह कंसिडर करती है, एक असॉल्ट की तरह कंसिडर करती है, यानी एक अटैक की तरह कंसिडर करती है, और एक पनिशमेंट की तरह, यानी कि इंटरव्यू उन्हें अच्छा नहीं लगता। जो एच जी वेल है, एच जी वेल्स इंटरव्यू को एक ऑडियल की तरह समझते हैं, उन्हें इंटरव्यू देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो इंटरव्यू को एक ऑडियल समझते हैं। अनदर सेलिब्रिटी या फिर फेमस पर्सनैलिटी है सॉल बेलो, वो समझते हैं कि जो इंटरव्यू है, ही कंसीडर इंटरव्यू बीइंग डिस्क्राइब्ड एज बीइंग लाइक थंबप्रिंट ऑन हिज विंडपाइप, यानी कि किसी को मतलब गले पे उंगलियों के निशान, यानी गला घोटना, वो मतलब ऐसी घुटन महसूस करते हैं इंटरव्यू देते वक्त। ड्रॉबैक्स के साथ साथ इंटरव्यू के बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं। जो इंटरव्यू है वो एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है, और आजकल जो इंटरव्यू है वो बहुत ज्यादा एक कॉमन प्लेस बन चुका है जर्नलिज्म के लिए। जो बंदा इंटरव्यू लेता है उसे कहते हैं इंटरव्यूअर, और जो बंदा इंटरव्यू देता है उसे कहते हैं इंटरव्यू। डेनिस ब्रायन
ने एक बार लिखा था कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मूवमेंट रीचेस अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस और आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर. यानी डेनिस ब्रायन ने एक बार लिखा था कि हमें एक मूवमेंट की सारी जानकारी तभी मिलती है जब एक आदमी एक सामने वाले बंदे से क्वेश्चन करता है और सामने वाला आंसर करता है. बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस. इंटरव्यूअर, जो बंदा इंटरव्यू लेता है, तो डेनिस ब्रायन ये लिखते हैं कि जो इंटरव्यूअर होता है यानी कि जो इंटरव्यू लेता है उसके हाथ में एक अलग ही तरह की पावर और एक अलग ही तरह का इन्फ्लुएंस होता है. यानी उसके पास पावर होती है क्वेश्चनिंग की. वो सामने वाले बंदे से, जो कि सेलिब्रिटी, फेमस पर्सनैलिटी, कुछ भी हो सकता है, उससे क्वेश्चन करता है और सामने वाले बंदे को उसका सही सही आंसर देना पड़ता है. तो ये था इंटरव्यू के बारे में कुछ कुछ एडवांटेज वाले पॉइंट और कुछ कुछ डिसएडवांटेज वाले पॉइंट. कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं और कुछ एडवांटेज भी हैं इंटरव्यू के. जैसे कि हमें एक बंदे की, एक सेलिब्रिटी की पर्सनल लाइफ के बारे में जानने को मिलता है, उसके हाव भाव के बारे में पता चलता है, उसकी हैबिट्स के बारे में, उसकी हॉबीज के बारे में पता चलता है. वहीं दूसरी साइड होती है इंटरव्यू के डिसएडवांटेजेस. बहुत सारे सेलिब्रिटीज को पसंद नहीं होता अपने बारे में कुछ बताना, या फिर पसंद नहीं होता पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करना. तो फ्रेंड्स, ये था आपका इंटरव्यू का, द इंटरव्यू का पार्ट वन, जिसे लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू.